और हम लोग अभी लगाएंगे क्या चाय पे की चाय पे चुस्की। केकेआर फैन भाई, केकेआर फैन। ठीक है, इसको जो ढूंढ के देगा ठीक है उसको 10,000 मिलेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। तो आज और एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज का वीडियो है, मतलब ये जो व्लॉग हो रहा है कोलकाता सिटी व्लॉग, ठीक है, मतलब मॉर्निंग वाइब्स। हर सुबह जो हम लोग निकलते हैं उसी का ही कुछ व्लॉग हम बनाते हैं, तो वही व्लॉग आप लोग के सामने में पेश कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर अच्छा लगे तो पूरा देखना पूरा वीडियो को, और लाइक कमेंट शेयर जो करना है आप कर दीजिए। तो फिलहाल चलिए अभी हम जाते हैं यहाँ से, और दिखते रहिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और कहाँ घूमते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी एक साइड से बाएं तरफ ले लिया, मतलब न्यू मार्केट की तरफ। तो हम लोग अभी जाएंगे, इधर ही कहीं भी जाएंगे, कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे। फिलहाल ऐसे ही घूमने वाले हैं हम लोग सुबह सुबह, और चाय तो पीना ही होगा, चाय का चूस के कहीं पे लगाना होगा। ठीक है, फिर पहले सीधा चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं बैठने हो, मतलब शायद गंगा का किनारे ही बैठना पड़ेगा, लेकिन आज दूसरा घाट में जाएंगे। ठीक है, उससे बढ़िया जगह आप सुबह सुबह जाने का मन नहीं करता है, और अभी सुबह निकलने का अच्छा टाइम है। सुबह का टाइम जो 9-10 हो जाता है, उसके बाद 9-10 बजे के बाद क्या होता है, बहुत धूप और बहुत गर्मी, मतलब आज से भी तो और भी गर्मी बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बोल रहा है 45 तक जाएगा, 43, 44, 45 जाएगा ऐसा। फिलहाल अभी करंट जो काल का था तभी था 41। ठीक है, तो देखते हैं आज कितना होता है। तो फिलहाल ये फ्लाईओवर चढ़ सकते हैं, हाँ मामूल लोग नहीं है यहाँ चढ़ सकते, तो चलो चढ़ते हैं। यही है न्यू मार्केट एरिया, लेकिन देखो जब आप थोड़ा लेट आओगे, मतलब 10-11 बजे के बाद आओगे ना, पूरा यह भरा रहता है रात को 8-9 बजे तक। लेकिन अभी देखो फूल बिल्कुल पूरा खाली, सुबह सुबह पुलिस लोग सिग्नल नहीं मिलता। हम लोग इधर ही ले लेते हैं। हेडफोन खुल के जा भाई। अभी है धर्मतला बस टर्मिनल, और मेरे एकदम सीधा जो है वो है ईडन गार्डन। सुबह सुबह ईडन गार्डन, और यहाँ लिखा हुआ है क्या, आई लव कोलकाता। लेकिन एक फ़ोटो खींचना था, इसके आगे इतना बैरिकेड लगा हुआ है और फ़ोटो खींचने का मन नहीं हुआ। तो चलो यहाँ से निकलते हैं फिलहाल। और यह देखो पूरा केकेआर का बैनर भरा हुआ है, ठीक है, ईडन गार्डन पे। शायद 1-2 दिन में मैच है इधर, 26 तक के साथ केकेआर का मैच है शायद। केकेआर फैन भाई, केकेआर फैन। ठीक है, बेस्ट सॉन्ग। आगे हम लोग रिवर साइड, लेकिन हम लोग राइट जाके थोड़ा इधर उधर घूम के आएंगे, फिर कहीं पे रुक के चाय पियेंगे, फिर कहीं पे थोड़ा इधर उधर बैठेंगे। ठीक है, और सुबह सुबह ये है बाबूघाट टर्मिनल। ठीक है, यहाँ से हर स्टेट का आपको बस मिल जाएगा, मौसम बढ़िया रहता है। ठीक है, और ऐसे हम लोग सैर करते हैं बाइक पे। ये है बाबूघाट, मेन जो है बाबूघाट का घाट, ये मेरी बाई तरफ। चलिए हम लोग को थोड़ा ये भी घुमा देते हैं, यहीं पे रुकना है, यहाँ पे कहीं रुक जाएंगे। सिग्नल खोल दिया है। चल प्लीज सुबह सुबह बाबू घर का थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं हम लोग ना दादा। एमनी घूरते लेकिन अभी पूरा भाटा है। अभी पूरा पानी कम है। और ये लोग मतलब क्या ढूंढ रहे हैं? जो पैसा फेंकते हैं ना गंगा में, कॉइन ढूंढ रहे हैं। बहुत सारा कॉइन यहाँ पड़े रहता है, मतलब जो फेंकते हैं गंगा में। और अभी फॉगी वेदर है, इसलिए आप लोग को अच्छा तरीके से वो हुगली से तो उधर है, मतलब सेकंड ब्रिज वो नहीं दिखाई देगा। और राइट तरफ है हावड़ा ब्रिज। ठीक है, तो चलो यहाँ से थोड़ा निकलते हैं और दूसरा जगह कहीं जाते हैं। ठीक है, चलो। तो सुबह सुबह हम लोग आए गए, ठीक है, ये बाबूघाट। और बाबूघाट का नीचे से देखो नज़ारा कुछ ऐसा। लेकिन आज हम लोग को यहाँ से सनराइज नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि आज वेदर थोड़ा फॉगी है। ठीक है, मतलब सनराइज हो रहा है, आप लोग उधर समझ सकते हो, ठीक है, ऑरेंज कलर वाला। लेकिन आज हम लोग को सूरज देवता उठते हुए नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इधर का देखो नज़ारा कितना सुंदर। ठीक है, और वो जो है उधर आपको देख मिलेगा उर्दू सतु बीच। समझ में आएगा कितना फॉग है वहाँ, मतलब इसलिए हम लोग का सनराइज नहीं देखने मिला। लेकिन यहाँ से भी नज़ारा बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सही है। तो फिलहाल हम लोग आए हैं सुबह में। ठीक है, सुबह डेली निकलते हैं ऐसे ही, मतलब दोपहर को तो निकलने का कोई चांस ही नहीं है। और शाम को हम लोग का काम बहुत गर्मी है, जो होगा अभी सुबह। ठीक है, डेली ब्लॉग इससे सुबह ही आएगा, मतलब ऐसे घूम रहे। लेकिन लोकेशन चेंज होगा। हाँ, लोकेशन जरूर चेंज होगा। ठीक है, अगला ब्लॉग में दिखाया था कि उस पास, ठीक है, मतलब वो क्या है, कौरसा रोड के उधर पुल से जो बीच क्रॉस करके। और आज है हम लोग पूरा बाबूघाट में, मेन जो बाबूघाट। ठीक है, अभी जाने का टाइम वो थोड़ा प्रिंसेप घाट वो घूम लेंगे, वहीं पर थोड़ा कहीं भी बैठेंगे, थोड़ा चिल मारना है, 1 घंटा चिल मार के फिर यहाँ से निकलना है। ठीक है, तो चलो पूरा वीडियो बने रहो और जहाँ जहाँ जाएंगे पूरा दिखाएंगे। चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और आगे पे कहीं जाके रुक के चाय पियेंगे। और आज टाइम बहुत कम है, मुझे 7 बजे के अंदर घर पहुँचना है, अभी 6 बज रहा है। तो चलो, मन था इधर थोड़ा पैदल जाएंगे, लेकिन वो टाइम नहीं होगा। जरा भी यहाँ से निकलते हैं, चलो। मतलब सुबह सुबह जहाँ हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे, वही रास्ता जो है, मतलब गंगा किनारे से वो पूरा इधर आता है। इधर में सब मॉर्निंग वॉक करते हैं कि। तो हम लोग फिलहाल यहीं रुकेंगे और चाय वाय पियेंगे। ठीक है, और यहाँ सुबह सुबह मिलता है गंगा का पानी। सब जो जार देख लो ड्राम जो है ना इसमें सब भर के बेचते हैं। ठीक है, चाय पीना है इधर। हाँ, यहाँ से नजर रखोगे ऐसा तो यहीं बैठेंगे थोड़ा हम लोग। यहाँ आ गया चाय और हम लोग अभी लगाएंगे क्या चाय पे ही चाय पे चुस्की। और इधर है हम लोग अभी कौन सा जजेस घाट, ये लिखा हुआ है देखो, तो सामने सभी हो चुका है वहाँ पर अजय। ठीक है, और यहीं जा रहे हैं ऐसा नज़ारा देखते देखते। ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उस तरफ जो बिल्डिंग वो है ना, मतलब जो फ्लैट वगैरह जो है उधर, जो लोग वहाँ रहते हैं कैसे लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना सीन कुछ ऐसा ही इधर का। भाई साहब यहाँ एक तो पोस्टर मिला हमको। ठीक है, ये बंदा शायद निखोज है, मतलब गुम हो गया है, तो इसको जो ढूंढ के देगा ठीक है उसको 10,000 मिलेगा। सुबह यहाँ आने का फायदा यही है, मतलब सुंदर सा हवा चल रहा है। ठीक है, पीछे थोड़ी देर तक झाँक मार रहे हैं, सामने सुंदर नज़ारा, पानी भी बहता रहा है। एक साथ चाय पियो, चलाते हैं 1 घंटा बैठने से शांति, मन भी शांति मिलेगा और आप लोग देखते हैं शांति मिलेगा। भाई बढ़िया लोकेशन, बढ़िया लोकेशन। यहाँ मतलब गर्मी के टाइम, समर के टाइम आओ, यहाँ बैठो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्या है इधर भी थोड़ा काम वाम चल रहा है तो हम लोग यहाँ बैठे हुआ है। ये भी थोड़ा रूम दिखा रहे इसको, क्या है इसको क्या बोलते हैं। बस हम लोग अभी जजेस घाट से निकल गए, थोड़ा लेट भी हो गया। ठीक है, अभी 6:50 हो गया और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली ये ब्लॉग जो लोग कोलकाता में रहते हैं उन लोग को बहुत बार ये सब देख लिया, मतलब बाबू घाट, तीसरे घाट, हर जगह कोलकाता का जो है ये ब्लॉग उन्हीं को मतलब अच्छा लगेगा जो लोग कोलकाता के बाहर रहते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेट से या कोलकाता रहने वाला जो बाहर चला गया, बहुत दिन कोलकाता में नहीं है, उन सभी को ये ब्लॉग शायद अच्छा लगेगा। ठीक है, और मेरा जो बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिलहाल आदत पड़ जाने से ये भी शायद ठीक हो जाएगा, मतलब और भी अच्छा हिंदी बोल सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसलिए तो फिलहाल चलो अभी हम लोग निकलते हैं घर के लिए और ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब कुछ कर देना। तो चलो टाटा बाय, खुदा हाफिज़।